बीते दिनों एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था फर्जी। एक्टर थे शाहिद कपूर। पूरी वेब सीरीज इस बात पर टिकी हुई थी कि एक्टर और उसका एक दोस्त फर्जी नोटों यानी नकली नोटों का व्यवसाय किया करते हैं। इस काउंटरफीट नोट के चलते ही एक बार उन्हें पुलिस ट्रैप कर लेती है। पुलिस से भागते वक्त शाहिद कपूर और उनका दोस्त ऐसी तरकीब निकालते हैं कि उनका दोस्त पीछे गाड़ी में बैठकर जाता है और डिग्गी खोलकर नकली नोट उड़ाने लगता है, क्योंकि पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और ऐसे में उन्हें बचने के लिए यही प्रयास सूझा। इस दौरान सड़क पर भीड़ लग गई और पुलिस उसी भीड़ में फंस गई और ये दोनों भाग निकले। अब इसी फर्जी सीन को फिर से एक रियल लाइफ में एक लड़के ने दोहराया है हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर सड़कों पर 500 और 2000 के नोट उड़ाते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक युवक गाड़ी चला रहा है और उसमें डायलॉग बोले जा रहे हैं, जबकि पीछे बैठा उसका साथी चलती हुई कार से डिग्गी खोलकर नोटें उसी फिल्मी अंदाज में उड़ाता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लेकिन इस पूरे वीडियो की अब असलियत सामने आ गई। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में कार से नोट उड़ाते शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में कार की डिग्गी के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति नोट उड़ा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल ये वीडियो वायरल हुआ है और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। और लेकिन अब जो सच्चाई आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल पुलिस ने जाँच में ये पाया कि ये वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया था जिसका नाम जोरावर सिंह खलसी है और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव की सुशांत लेक थाना पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है, जो दोनों कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर जोरावर सिंह खलसी फर्जी मूवी के डायलॉग पर रील बना रहे थे। जी हाँ, रील के चलते दोनों रेल बना दिए गए। जी हाँ, यानी जेल भेज दिए गए। आरोपी चलती का हुई कार से नकली नोटों को उड़ा रहे थे। जो नोट उड़ा रहे थे उनके बारे में भी लोगों ने तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में इन चर्चाओं के बीच पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि जो लोग ये नोट उड़ा रहे थे वो फर्जी थे। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड पर बनाया गया। दरअसल ऐसा ही सीन एक्टर शाहिद कपूर ने फर्जी वेब सीरीज में बनाया हुआ था। कार से फर्जी नोटों को उड़ाने के मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को गुड़गांव पुलिस ने वेरीफाई किया। उसके बाद यूट्यूबर और गाड़ी मालिक का पता लगाया, क्योंकि यूट्यूबर भले ही मुंह बांधे हुए था और नोट उड़ा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर खुला हुआ था, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक युवक की थी। इस वीडियो में एक साउंड भी आ रहा है। वीडियो में बैक में वेब सीरीज फर्जी के बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के डायलॉग पुलिस पीछे लगी है, क्या करें सनी, पैसा उड़ा बाड़ू, ऐसी आवाजें आ रही। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स के खिलाफ सबसे पहले उसने मुकदमा दर्ज किया और उस शख्स की तलाश में जुट गई जिसने पहली बार इंस्टाग्राम में इसे अपलोड किया था। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि वीडियो अपलोड करने वाले के फॉलोअर्स करीब 3 लाख से ज़्यादा हैं। वीडियो को अभी तक 1.5-2 लाख लोग देख चुके हैं। गुरुग्राम में जिस जगह ये वीडियो शूट किया गया वो पॉश एरिया गोल्फ कोर्स रोड है। यहाँ के अंडर पार्ट से निकलते हुए सफ़ेद रंग की बलेनो कार से शाहिद कपूर वाला डायलॉग सुनाई दे रहा है और 2000 और 500 के नोट उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि जब सुबह हुई तो लोगों ने ये नकली नोट देखकर काफ़ी हैरत में पड़ गए, क्योंकि लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन जब देखा तो वो नकली थी। दरअसल कार से इसीलिए नोट उड़ाए जा रहे थे क्योंकि वो नकली थी। इस पर सोशल मीडिया में तमाम तरह के ट्रोल्स भी हुए। यूट्यूबर को खूब लोग उल्टा सीधा भी कह रहे हैं। वहीं पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए इन दोनों युवकों ने न केवल खुद की जान की परवाह नहीं की बल्कि दूसरों की जान से भी खिलवाड़ किया है। 27 सेकंड के इस वीडियो के सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और अब इस मामले में लापरवाही से ड्राइविंग समेत दूसरे की जान जोखिम में डालने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा सुशांत लोक थाना में दर्ज किया गया है। ACP DLF विकास कौशिक ने बताया है कि वीडियो पर गुरुग्राम पुलिस ने खुद एक्शन लिया है, यानी उसने सो मोटो लिया है। मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।